अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज का जो व्लॉग है जी बहुत ही ख़ास होने जा रहा है आप लोगों के लिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसे गाँव में जा रहा हूँ जिस गांव में आपने माहौल नहीं, इस तरह का माहौल आपने नहीं देखा होगा, आपका जाना भी बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला राजनपुर के एक गांव में, तहसील रोजहान का एक गांव है उमरकोट में। ये बहुत ही प्यारा सा गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है। आप को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन नज़र आएगी। ये वाली रकबे के लिहाज से ये वाली जो तहसील है बहुत बड़ी तहसील है, और यहाँ पर बिल्कुल गांव वाला बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत आंखों को भाने वाले यहाँ पर घर, मिट्टी के घर बने हुए हैं और बहुत ही प्यारे इन्होंने घर अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। और मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, शेयर नहीं कर सकता जो मैं वहाँ फील कर रहा था। मुझे एक दिली सुकून मिल रहा था, यहाँ पर बहुत ही पुरसकून फिजा थी, कोई शोर शराबा नहीं था और बहुत ही बेहतरीन और ज़रखेज़ ज़मीन थी। और कपास की जो फसल यहाँ पर उन्होंने काश्त की हुई थी, तकरीबन 2 से 3 फुट लंबे उसका जो पौधा था वो हो चुका था। तो कपास की जो एवरेज है बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें, ये नेचुरल तौर पर इधर ये खंडर बना हुआ है, यहाँ से मिट्टी वगैरह नहीं उठाई गई। ये जो सैलाब वगैरह राजनपुर के अंदर आते हैं तो ये इनकी वजह से ये सारी ये यहाँ पर ज़मीन बैठ गई है। और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीनें नज़र आएंगी। और ये बहुत ही प्यारा सा एक जो है आप डाक बंगला देख सकते हैं। डाक बंगला ये है, एरिगेशन डिपार्टमेंट वालों का मुझे लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है डिपार्टमेंट के लोगों ने तंदूर बनाया हुआ है, क्योंकि आसपास कोई होटल वगैरह नहीं है जो कि यहाँ पर ऑन ड्यूटी स्टेशन पर मौजूद ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर ये खाना वगैरह यहाँ पर ख़ुद तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी और कमाल की रोटी वो एक भाई साहब यहाँ बना रहे थे, और जो खुशबू थी यकीन माने मुझे जो है बहुत भूख लगी हुई थी। और जब वो खुशबू मैंने फील की, खुशबू महसूस की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख महसूस हुई। तो मैंने ये सोचा कि इनसे मांग के खा लेते हैं। तो मैंने बाद में सोचा नहीं, मांगना नहीं है, किसी से भी नहीं मांगना, हम जाके देखेंगे आगे कोई होटल वगैरह हमें गांव में मिला तो वहाँ पर हम खाना वगैरह खाएँगे। और ये देखें बहुत ही प्यारे जानवर इन्होंने बकरियां वगैरह रखी हुई हैं। और ये ज़मीन इस तरह से फील हो रही है, इसका जो कलर है वो आपको गोल्डन फील हो रहा होगा। ये दिल मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा लुभा रहा था, बहुत ही मैं ज़्यादा एक्साइटेड था इस जगह पर। और एक बाबा जी जो हैं वो अपने जानवरों के लिए घास काट कर अभी लाए हैं, और इस घास को लेकर जाएंगे अपने जानवरों को खिलाएंगे। और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये दूध फिर उन जानवरों में से निकालेंगे और ख़ुद भी नोश फरमाएंगे, और जो मार्केट में लोगों को भी ये सप्लाई करेंगे, बेच कर आएंगे, सेल करेंगे और अपने घर का जो है वो राशन पानी इससे हासिल करेंगे। तो ये बेहतरीन सा एक मुझे यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैं इंजॉय कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस बंगलों को देखकर। तो मैंने कहा क्यों ना 3-4 शॉट आपके लिए ले लिए जाएं और आपको दिखाया जाए। और मेरी जो फीलिंग्स थी बहुत ही जो है बताने वाली नहीं है, मैं इतना एक्साइटेड था, पुरजोश था, मैं इंजॉय कर रहा था। और ये वाला जो गाँव है मुझे जो है वो सिंध की तरह लगा। रोजहान की जो तहसील रोजहान का ये गाँव है उमरकोट जो कहलाता है। और आप दोस्तों को मैं बताता चलूं, एक उमरकोट सिंध के अंदर भी मौजूद है, और इस जगह का नाम, इस गांव का नाम भी उमरकोट इन्होंने रखा है। मैं ये सोचता हूं, ये मैं समझ रहा हूं कि इन्होंने इसका ये नाम ये किस वजह से रखा होगा, क्योंकि यहां पर भी वही माहौल है
सिंध वाला, तो इस वजह से इन्होंने इसका नाम जो है उमरकोट रखा है। और इधर की जो ज़मीन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन है, और जिस जिस जगह पर इन्होंने काश्तकारी की हुई है। आजकल कपास का सीज़न चल रहा है क्योंकि गंदम की कटाई हो चुकी है और लोगों ने गंदम जो है वो मार्केट में सेल कर दी है, हुकूमत को सेल कर दिया, और जिन लोगों ने अपने घर में रखनी थी इन्होंने अपने घर में रख ली है। तो बाकी अब जो सीज़न अब चल रहा है, कपास का सीज़न चल रहा है, तो ज़मींदारों ने, किसानों ने और मेरी धरती के जो या मेरे मुल्क के जो सपूत हैं, उन्होंने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, अपनी मईशत को अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के लिए, तो उन्होंने काश्त जो है वो कपास काश्त कर दी हुई है। और ये देखें आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारे और अच्छे और कच्चे मकान और घर नज़र आएंगे, जिसको देखकर आपका दिल खुश होगा। और ये देखें बहुत ही प्यारी बकरियाँ जानवर लेकर एक बाबा जी जा रहे हैं, और उनकी उम्र से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवानी से ये अपना ये वाला जो है ये पेशा जो है वो स्टार्ट किया होगा, वो अडाप्ट किया होगा, और अभी तक वो इस पेशे में लगे हुए हैं। और ये माशाल्लाह गायें और भैंसें जो है वो भी चल रही हैं, बाबा जी जो है वो भी इनको लेकर सैर करवा रहे हैं, उनको तफरी करवा रहे हैं उनका। आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजनपुर के जो बकरे हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर हैं कि यहाँ पर अच्छे बकरे यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो आप ये इलाका अगर देखा जाए तो राजनपुर में ये बिजनेस जो है, ये पेशा जो है, ये कारोबार है भेड़ और बकरियों का, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों ने अपने कारोबार के लिए ये बकरियाँ वगैरह बकरियाँ वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं और ये पालते हैं। और ईद का जब मौका आता है, जब ईद उल अज़हा का मौका आता है, तो बकरा ईद का जो मौका आता है, तो ये लोग अपने ये जानवर जो हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़े बड़े शहरों में लेकर जाते हैं और वहाँ पर ये सेल करते हैं, और अपनी साल भर की जो कमाई है वो जो है वो हासिल कर लाते हैं अपने घरों में। इसके अलावा या इधर के लोग जो हैं वो काश्तकारी भी करते हैं, और यहाँ की फसलें सैलाबी पानी आने की वजह से, सैलाब आने की वजह से इनकी जो ज़मीनें हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, बहुत ही कमाल की हो जाती हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक सिलसिला चलता है यहाँ पर, और इनकी फसल बहुत अच्छी होती है। और ये इधर के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले लोग हैं। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एक कबीले की, तो इधर जो है रुझान वाली साइड पे, रुझान एरिया के अंदर मज़ारी बलोच यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ पर रहते हैं। और मज़ारी बलोच जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये वो कौम है, ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने कयाम पाकिस्तान में इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की, इनके बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिशें की, और हमें हमारा प्यारा पाकिस्तान इन लोगों की मेहनतों से हासिल हुआ। और जो मज़ारी कौम के जो चीफ हैं या मज़ारी कौम का कोई भी फ़र्द है वो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और अपने मेहमानों की बहुत ही कदर करते हैं, और मेहमान जो भी इनके पास जाता है तो वो उसके लिए खाने पीने का और रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए एहतमाम करते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ मज़ारी कबीले को और मज़ारी कबीले के जो सरदार हैं उनको, कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की जो रिवायात है मेहमान नवाजी वाली, तो उन्होंने आज तक कायम रखी हुई है। और मज़ारी कौम किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर मज़ारी कौम का नाम लेंगे तो लोग उनका नाम, उस बिरादरी का नाम, उनके जो लीडर्स का नाम बड़े अच्छे अंदाज से और बड़े मुअद्दब तरीके के साथ, बड़े प्यारे तरीके के साथ उनका नाम लेंगे कि ये वो बहादुर कौम है जिन्होंने मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और पाकिस्तान के हसूल के लिए इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपना रोल अदा किया। और मज़ारी कबाइल
को देखा जाए तो मज़ारी कबाइल के जो लोग हैं और मज़ारी ख़ानदान जो है वो माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, और उनके जो जो लोग हैं वो उनका मयार तालीम बहुत ही बुलंद है, और वो जो है माशाल्लाह से तालीम जो है वो सादिक पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों में और बीकन हाउस जैसे स्कूलों में उन्होंने तालीम हासिल की है, तो वो बहुत ही काबिल और टैलेंटेड बिरादरी है, बहुत ही काबिल बिरादरी है, बहुत ही काबिल लोग हैं। और ये जो रुझान का इलाका है, राजनपुर का जो इलाका है, इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर अमन व अमान कायम है। और इसके अलावा और ये जो है बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह ज़िम्मेदारा है इनकी, ये मुरब्बों के हिसाब से इनकी ज़मीनें हैं। और आप ये देखें, जब मैं यहाँ पर मौजूद था, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बरान से मुखातिब हो रहा हूँ। और यहाँ पर जो है एक छोटा सा पंप भी है गाँव के अंदर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आने जाने वालों के लिए जो पेट्रोल वगैरह की जो दिक्कत होती है वो उनको नहीं होती। और ये एक भाई जो है अपना एक मोटरसाइकिल लगाकर एक रेड़ा इन्होंने बनाया हुआ है और अपना गुजर बसर या अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये बहुत ही मेहनती इंसान थे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा गांव, बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है। और इसमें ये देखिए एक सादा सी चक्की लगी हुई है, लोग यहाँ पर गंदम पिसवाने आते हैं, और दूर दराज तक यहाँ पर और कोई चक्की नहीं है। फ्लोर मिल तो नहीं कहेंगे, फ्लोर मिल भी कह दें तो बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि इस गांव के अंदर कुछ और नहीं नज़र आ रहा मुझे। ये देखें बहुत ही प्यारे कच्चे से मकान हैं और बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, और लोगों का जो है बेहद अच्छा गुजर बसर यहाँ पर हो रहा है। और ये दुकानें इन जगहों पर, इन गांव में होना किसी नेमत और रहमत से कम नहीं है। लोगों को यहाँ पर अपने खाने पीने के लिए और घर का जो राशन है वो इन छोटे छोटी दुकानों पर इनको यहाँ से मिल जाता है। और इन्होंने एक बॉक्स टाइप जो है लकड़ी के इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं। और यहाँ पर ये लोग, जब मैंने इन लोगों से गपशप की तो मैंने बहुत ही खुशी महसूस की, और ये लोग जो है अपनी ज़िंदगियों में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और अपनी लाइफ को ये भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये थार वाला जो है एक मंजर पेश कर रहे हैं, वहाँ पर ऊँट के छोटे छोटे बच्चे और ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं, एक दरख्त यहाँ पर फील हो रहा है। ये वो फीलिंग्स, मैं यहाँ पर वो फील कर रहा था कि मैं पुराने दौर का एक बाशिंदा हूँ, और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दूर दराज तक, और यहाँ पर मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गया हूँ। तो और मेरे हाथ में जो है ये ऊँट की रस्सी है, और मैंने संभाला हुआ उस रस्सी को, और जब मैं धूप थोड़ी कम होगी, मौसम थोड़ा अच्छा होगा, तो मैं अपनी मंजिल मकसूद के लिए अपनी इस ऊँट के ऊपर ट्रैवल करूँगा। मैं वो फील कर रहा था, लेकिन मैं गाड़ी पर था, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा हूँ। और ये कई मुरब्बा मीलों तक बेहतरीन ये इलाका फैला हुआ है, और यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन इलाके हैं ये, बहुत ही अच्छी जगह है ये। आपको देखें यहाँ पर जो है बिल्कुल कच्चे मकानात मिलेंगे, ये कोई सीन तो नहीं है, लेकिन इसका जो जोग्राफिया जो है, इसका जो शक्ल है इस इलाके का, इस गांव का, बिल्कुल थर टाइप फील होता है। और मैं बहुत ही खुश हो रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं पुरजोश था, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था कि आप लोगों के साथ आज जो मैं वीलॉग लेकर आ रहा हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेज हैं, और आपको हर एक मिनट के बाद, दो तीन मिनट के बाद आपको इसमें सरप्राइजेज मिलेंगे। आप हैरान होंगे कि किसी जगह पर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फसल काश्त की हुई है, और किसी जगह पर एक थर वाला आपको माहौल मिल रहा है। इस गाँव के अंदर आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी हो तो आपको चार पांच किस्म के यहाँ पर जो है मनाजिर नज़र आएंगे। दो तीन सूबों के जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के चार पांच सूबे जो हैं
उनकी आपको इसके अंदर झलक महसूस होगी। आपको इसमें इस सरजमीन के अंदर, इस गांव के अंदर एक अपनायत नज़र आएगी। आप इसको देखकर खुश हो रहे होंगे। देखें, एक बयाबान ज़मीनें भी आई और जिस जगह पर बिल्कुल काश्त कुछ भी काश्त नहीं किया हुआ था, और उससे थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर बेहतरीन किस्म की कपास काश्त की गई है, और यहाँ पर छोटे छोटे खाले भी बनाए गए हैं पानी के लिए, जो कि इन फसलों को सैराब करते हैं और इनको पानी देते हैं, उनकी प्यास को बुझाते हैं। तो आप लोग के लिए इतना दूर दराज का सफ़र करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, वायरल कर दिया करें, व्यूज़ को बढ़ा दिया करें। और एक और भाई साहब ने एक छोटी सी दुकान लगाई हुई है, और यकीन माने शहरों के अंदर बड़े बड़े माल के अंदर भी हम जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, और तो वो लोग फिर भी शहर के जो लोग हैं वो लोग फिर भी कहते हैं कि आज इतनी कम नहीं हुई। लेकिन इस छोटी सी दुकान को आप देखें, जो कि एक लकड़ी का इन्होंने एक बॉक्स टाइप, डब्बा टाइप बनाया हुआ है, उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश। बस आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था। अब ये देखें पुरान, ये अभी भी इन देहातों के अंदर, इस बहुत प्यारे विलेज के अंदर अभी भी लोग गधे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने घास लोड किया हुआ है, और ये देखें ये एक दूसरा गधा हम देख सकते हैं इस यहाँ पर, इन्होंने इसको इनको इस्तेमाल किया हुआ है। और ये देखें बहुत ही प्यारे से घर हैं, कच्चे मकान हैं, और लेकिन ये वफा तो उन दिनों का नाम है फराज़, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। तो ये वो वाली बात आज सच होने जा रही है इस गांव के अंदर, जब आप ये माहौल देख रहे होंगे, मकान कच्चे और यहाँ पर लोग सच्चे हैं। और यकीन माने ये फराज साहब ने जब लिखा होगा तो वाकई मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने वाकई सही लिखा था कि जहाँ जिस जगह पर मकान कच्चे होंगे तो वहाँ पर लोग बिल्कुल सच्चे होंगे। तो यहाँ पर ऐसी ही सूरत हाल मैंने पाई, ऐसा ही माहौल मैंने देखा कि मकान कच्चे हैं लेकिन लोग बहुत सच्चे हैं, और बग़ैर खाना खिलाए पिलाए इन्होंने हमें वापस नहीं आने दिया कि आप लोग हमारे पास आए हुए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, तो आप यहाँ पर खाना खा कर जाएं। तो दोस्तों, मैं बोल बोल कर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप दोस्तों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक अच्छा सा, बेहतरीन सा, प्यारा सा व्लॉग लेकर आऊँ और आया करूँ। तो बस आप लोगों से यही तवक्को करता हूँ, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप कमेंट दे दिया करें, कमेंट पास कर दिया करें, मुझे गाइड कर दिया करें कि मैं क्या करूँ अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैं लाइव बोल रहा होता हूँ आपको बारह का है। और ये देखें वो अभी काफ़ी सारे ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि साए के नीचे जो है रेस्ट कर रहे हैं, सस्ता रहे हैं, कैलूला का कह सकते हैं कर रहे हैं। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, ये सहराई जहाज़ जो है, रेगिस्तानी जहाज़ जो है, वो जिसको ऊँट कहते हैं, कैमल कहते हैं, ये यहाँ से फिर अपना ट्रैवल स्टार्ट कर देंगे। इनके मालिक इनको लेकर जाएंगे और जिस मंजिल पर उन्होंने जाना होगा ये उसका लेकर जाएंगे। तो मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं ये दुआ करता हूँ कि आप लोगों से भी तवक्को करता हूँ, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरे मुल्क को तादेर और ता कयामत कायम दायम रखे, सलामत रखे, और मेरे मुल्क की जो पाक फौज है वो हमेशा जो है वो तंदुरुस्त और सलामत रहे, और अल्लाह जो है मेरी पाक आर्मी के जो जोश व जज्बा है वो हमेशा अपने मुल्क के लिए कायम दायम रहे, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं और हम सुकून के साथ होते हैं। मैं अपने पाक आर्मी को सलाम पेश करना चाहता हूँ, मेरी पाक आर्मी जिंदाबाद, और पाकिस्तान पाइंदाबाद, और जो है जो है मैं अभी फिक वर्डिंग नहीं आ रही, तो इस वजह से आप दोस्तों से कहता हूँ कि मैं डायरेक्ट बोल रहा होता हूँ, लिखे बगैर बोल रहा होता हूँ, विदाउट स्क्रिप्ट बोल रहा होता हूँ, तो कोई गलती कोताही हो जाए तो माफ़ी का तलबगार हूँ आप लोगों से। तो एक नारा लगाते हैं, अभी वीडियो थोड़ी सी बाकी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, और मेरे पूरे पाकिस्तानी भी जिंदाबाद। और जो है आप लोगों के लिए अभी एक और जो है वीडियो है, ये अभी आपको मैं वापसी का अपना सफ़र स्टार्ट किया हुआ है, हम वापस आ रहे हैं शहर वाली साइड पे। तो ये एक मेन मरकजी दरवाज़ा है, एक इन्होंने मेन गेट बनाया हुआ है
क्योंकि जो है बलोच कबायल बहुत ही गैरतमंद लोग होते हैं माशाल्लाह से, और वो अपनी रिवायात को कायम रखते हैं। उन्होंने अपने इलाके को चार चांद लगाए हुए हैं, उन्होंने एक किले की शक्ल इसको दी हुई है, एक गेट बनाया है ताकि आने वाले जो मोजिज़ मेहमान हैं वो आसानी के साथ बड़े ईजीली इधर तक पहुंच जाएं, उनकी एक्सेस हो जाए, उनके मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेहमानों के मामलात में जो बलोच कबाइल हैं, सरदार कबाइल हैं, सरदार साहबान जो हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो अपने मेहमानों की बहुत कदर करते हैं। चलिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।